राजस्थान लोनी जोधपुर लो भारी अग्नि प्रमादं संभविंचिंदी ओ प्लास्टिक गोदामलो चलरेगिन मंटलु चुट्टुपक्कलकु व्यापिंचायि इल्ल मध्य गोदाम उंडटं वल्ल पक्कनुन्न मरो नालुगु अंतस्तुल बिल्डिंगुकु मंटलु व्यापिंचायि स्थानिक प्रजलु प्राणालु कापाडुकुनेंदुकु परुगुलु तीशारु మంటల్ని అదుపు చేసేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు గతంలోనే ఈ గోదాంపై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్థానికులు మంటల దాడికి పలు వాహనాలు కాలిపోయాయి तो उसने मेरे को जगाया और कहा कि पापा जी सामने आग जल्दी है, तो मैंने कंट्रोल रूम को कॉल किया और उसके बाद में करीब पौन घंटे बाद में गाड़ी आई और पीसीआर वैन है तो वो भी आधा पौन घंटे बाद में आई है। और जब तक इस आग ने विकराल रूप ले लिया, अभी भी दमकल की गाड़ियां आई हुई है आग ने इसकी नगर निगम की, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो रहा है। 5:30 बजे करीब आग लगी, शॉर्ट सर्किट होगा और उसके बाद हमें पता चला लगा कि धीरे धीरे आग बढ़ती, फिर एम्बुलेंस को फोन किया प्राइवेट वाले को, आज पड़ोस को सब पता चल के सब ऊपर छत पर आ गए। क्या गोदाम है? प्लास्टिक का गोदाम है जहाँ जैसे स्टोकेज अच्छा रहता है, माल सप्लाई होती है, बाकी कोई माल बढ़ना नहीं या नहीं होता है। पुलिस बल के साथ में वहाँ पहुँचे, अग्निशामक कंट्रोल रूम को इतला की, कंट्रोल रूम से एक्स्ट्रा जाप्ता मंगवाया, पब्लिक को वहाँ से भीड़ को हटवाया। उसके बाद दमकले आने के बाद में कंटिन्यू ये चली है। नगर निगम की दमकलों में इतनी कैपेसिटी नहीं है इस प्लास्टिक को आग बुझाने के लिए, तब आर्मी को हमने कहा, आर्मी की गाड़ियाँ आई हुई आग बुझाने की कार्रवाई चल रही है। ये गोदाम गोविंद सिंह माड़ीगा है, कई सालों से इसमें ये चल रहा है। सर, अपने को कभी शिकायत मिली थी क्या कि गलत? इस चीज़ की कभी शिकायत नहीं मिली कि भाई।